हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे, और इसको आइए देखते हैं पहले फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो जैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल को बनाते हैं उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या जब भी किसी आयनिक मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो क्या होता है कि उस पर क्या होंगे, कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं मॉलिक्यूल्स पे। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है वो क्या हो, उसके अंदर जितने सारे एटम्स हैं उन सब के चार्ज के सम के बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूल का हम लोग होल चार्ज लिखते हैं। तो वो सब जो भी चार्जेस होते हैं मॉलिक्यूल के एटम्स पे, जो सेपरेटली एटम के जो भी चार्जेस हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, एक फेक चार्ज होता है, क्योंकि हम जो मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे CO3 कार्बोनेट आयन 2-, तो ये तो क्या है कि मॉलिक्यूल का होल चार्ज है, लेकिन इसके जो भी एटम्स होंगे उसके ऊपर जो चार्ज होगा, सेपरेट चार्ज ऑफ इंडिविजुअल एटम, तो उस चार्ज को बोलते हैं हम लोग कि ये फॉर्मल चार्ज है, या इस फॉर्मल चार्ज को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं फेक चार्ज, क्योंकि हम लोग जब भी कार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो ओवरऑल चार्ज को दिखाते हैं कि 2- चार्ज है इसके ऊपर। जैसे हम लोग इसको डिफाइन करना हो तो फॉर्मल चार्ज क्या है, एक फेक चार्ज है, थ्योरेटिकल या इंडिविजुअल एटम का चार्ज होता है, जो कि क्या होता है उस मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर आयन है उसके एटम्स के चार्ज को डिनोट करता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा एक और डिफिनेशन है इसका, ठीक, इसे पढ़ सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयन द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इन अ एलिमेंट स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन दैट एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर। कहने का मतलब देखिए, इस डिफिनीशन से एक फार्मूला हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिफिनीशन देखिए पूछता नहीं है फॉर्मल चार्ज का, क्योंकि डायरेक्ट क्या करेगा वो, क्वेश्चन में आपको कोई मॉलिक्यूल गिवेन होगा, उस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स होंगे उसका क्या करेगा, फॉर्मल चार्ज पूछता है, यानी एटम्स का जो चार्ज है उसे पूछेगा। ठीक, तो यहाँ डिफिनीशन से कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है फॉर्मल चार्ज का, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले को ध्यान देंगे। देखिए तीन तरीके से लिखा गया है, फॉर्मल चार्ज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री स्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन इन लेविस स्ट्रक्चर। और ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। अब जो यहाँ पे माइनस करके जो सेकेंड वाला टर्म लिखा गया है, अब उसे मैं टू पार्ट में सेपरेट कर देता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री स्टेट, यानी एटम के वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है पहले उसे क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फिर क्या करेंगे 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमको कौन सा फार्मूला ध्यान देना है, तो इस फार्मूले को अगर पकड़ के चलेंगे तो फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। ठीक, तो बस ये वाला फार्मूला ध्यान देना है। अब इस फार्मूले को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे दिक्कत न हो। तो देखिए यहां पे फॉर्मल चार्ज, इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट निकाल देता हूं, वी माइनस, ठीक, नंबर ऑफ लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोन पेयर, फिर क्या है, फिर माइनस है हाफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग लेंगे, तो उसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां उसके बाद क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ये फार्मूला बन गया। ठीक, अब किसी एग्जांपल को लेते हैं और उसके फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए यहां पर एग्जाम्पल गिवेन है SO4 2- का, ठीक है, SO4 2- का है, तो लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हमें पता चलेगा ये चीज़। तो ये दिया है, मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर बना के गिवन है क्वेश्चन में, तो केवल फॉर्मल चार्ज अगर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि चार ऑक्सीजन है, पहली चीज, पहला ऑक्सीजन
नंबरिंग हम लोग किसी को भी 1-2 कर सकते हैं। तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन, और ओवरऑल चार्ज कितना है 2-। हमें निकालना क्या है, इंडिविजुअल एटम का चार्ज, यानी इसके अंदर 5 एटम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो पहले आइए बात करते हैं सल्फर एटम की, ठीक। तो यहां पे क्या है, SO4 2-, तो यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक। और देखते हैं हम लोग इसे, ठीक, कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। तो देखिए यहां पे क्या है, अगर मैं पहले निकालूंगा सल्फर का फॉर्मल चार्ज, तो सल्फर क्या है, एक ही सल्फर है यहां पे, तो सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जिसका कॉन्फिगरेशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 16, 2, 10 एंड 2 आएगा, फिर क्या होगा 8 आएगा, फिर उसके लास्ट में 6 आएगा आउटर सेल में। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में होते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या था फॉर्मल चार्ज का, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये फार्मूला है जिससे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के आउटर सेल में कितने होते हैं, 6, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी सल्फर के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो नॉन बॉन्डेड हो या लोन पेयर, इसके पास कोई भी नहीं है। सल्फर क्या करता है, 6 का 6, जितने भी 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है सभी वो कहाँ गए हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में नहीं है, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। फिर आते हैं माइनस 1/2, फार्मूले में 1/2 पहले से लगा हुआ है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो सल्फर के आसपास कितने बॉन्ड हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसे मैं क्लियर करके, तो सल्फर के अराउंड बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो यहां पे देखिए 6 बॉन्ड बना रहा है ये, तो 6 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 × 12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 6, 6 - 6 आ गया 0, यानी सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या है, 0, ये निकल गया। अब फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो पहला ऑक्सीजन इसको कंसिडर किया गया है, तो ऑक्सीजन 1 में देख लीजिए, ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ है, सल्फर के ग्रुप का ही है, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर, तो इसके पास भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में इसके, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी आउटर सेल में है, माइनस, अब इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है कि 2 लोन पेयर इसके पास हैं, यानी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो लोन पेयर हमें लेना है वो पेयर के फॉर्म में नहीं लेना है, ये क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। लोन पेयर का मतलब क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जब भी 2 लोन पेयर दे तो 2 नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, 4, क्योंकि एक लोन पेयर मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे हो जाएगा 4 - 1/2। अब ये बॉन्ड कितने बना रहा है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी ये भी क्या आ गया, 4, यहां से काटेंगे आ जाएगा 2, ठीक है, -4, -2, -6 और +6 कट गया, कितना आ गया, 0। तो इसका भी फॉर्मल चार्ज है 0। अब बचा हमारा ऑक्सीजन नंबर 2, तो अगर ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करेंगे तो अब यहां पे देखिए ये भी क्या है, ऑक्सीजन नंबर 2 में ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में, वैलेंस सेल में, आउटर सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, -1/2 × बॉन्डिंग, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास होंगे, तो ये कट गया यहाँ से 6 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 6 - 6 करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन -1 यहाँ बचा है, तो इस पर क्या आएगा, -1 चार्ज, तो इस ऑक्सीजन पे है फॉर्मल चार्ज -1।
अब देखिए बाकी चीज निकालने जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन भी क्या है, एज इट इज है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन नंबर 3, वो ऑक्सीजन नंबर 1 के तरह ही है, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0। और ऑक्सीजन नंबर 2 क्या है, 4 के जैसा है, इसका हो जाएगा -1। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि सारे एटम में 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर क्या है, 0 फॉर्मल चार्ज कैरी कर रहा है, और ये दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, -1 चार्ज को कैरी कर रहे हैं। टोटल चार्ज क्या लिखते हैं हम लोग एटम मॉलिक्यूल के ऊपर, ये फॉर्मल चार्ज का जो सम होता है वो मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज होता है। तो -1 क्या आ जाएगा, -2। तो ये निकल गया हमारा फॉर्मल चार्ज सभी एटम का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, आइए कोई और एग्जांपल लेके समझते हैं फॉर्मल चार्ज को। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दिया CO3 2- का केस, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, सभी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो पहले इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो कहीं भी जब देखिएगा कि ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इज 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा तो इसके पास क्या होंगे, 2 मतलब 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 लोन पेयर इसके पास क्या होंगे, फ्री होंगे। 2 बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 चले गए बॉन्ड में और यहाँ पे क्या है, बाकी जो 4 है वो फ्री है। अब ये वाला दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, जिसके पास क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर। अब कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ चले गए हैं, बॉन्ड में, और इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, -2 चार्ज है। अब यही हमें पता करना है कि -2 चार्ज कहाँ से आया है। तो -2 तो यहाँ पर लिखा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल चार्ज यहाँ -2 लिख देंगे, ठीक। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज सभी एटम का। तो बात करते हैं हम लोग पहले कार्बन की। तो कार्बन के केस में फॉर्मल चार्ज देखिए, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, देखिए 3 है तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। पहला ऑक्सीजन इसको मान लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन इसको, और तीसरा ऑक्सीजन इसे। तो ये ऑक्सीजन 1 हो गया एक, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन 2 की, फिर बात करेंगे ऑक्सीजन 3 की। तो पहले निकालते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज कार्बन का। तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे पहले 4 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो कुछ है नहीं इसमें, चारों के चारों क्या है, बॉन्ड में है, तो ये हो जाएगा 0। फिर 1/2, अब इसके अराउंड बॉन्ड कितने हैं, तो कार्बन के अराउंड क्या है, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8। तो ये कट गया, कितना हो जाएगा, 4-4 आ गया 0, यानी कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या है, 0। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन 1 की, यानी ये वाला जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, देखिए कितने हैं, 4, ये हो जाएगा 4-1/2 इंटू बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां से एक हो गया कैंसिल, ठीक। तो 6-4 कितना हो जाएगा, 2, फिर -2 कितना हो जाएगा, 0, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0। इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज क्या है, 0। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन 2 और 3 के, देखिए दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो कोई एक का अगर निकालेंगे तो वही वाला 2 का भी आएगा, वही 3 का भी आएगा, तो ऑक्सीजन 2 का निकाल लीजिए। तो इसके पास भी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, फिर 1/2 इंटू बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन केवल होगा, ये कट गया, 6-6 भी कट गया, कितना बचा, -1। वैसा ही ये वाला भी ऑक्सीजन है, इसका भी क्या होगा, सेम आएगा, इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1, और टोटल चार्ज कितना है, -2। तो -1 आ जाएगा, टोटल चार्ज वही होता है फॉर्मल चार्ज का सम। तो इस तरीके से इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे और उसके एटम का फॉर्मल चार्ज पूछे, तो ये हमारा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसका 0 आ गया था, इसका -1, इसका -1, इसका भी 0। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दे दिया है तब तो ठीक है, लेकिन लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर पता है तो भी फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, एटम का पोजीशन ही नहीं पता रहेगा, तब चार्ज कैसे निकालेंगे, तो ये चीज ध्यान रहे।
तो हमारा फॉर्मल चार्ज था। अगर कोई एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, देख लीजिए कोई एक और एग्जांपल जिससे और क्लियरिटी आ जाए। ऐसे SO4 का केस हो गया, ठीक है, CO3 2 माइनस हो गया। जैसे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसका फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसके इंडिविजुअल एटम पे चार्ज होगा, उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो जैसे अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, और कार्बन तो कार्बन एक ही है, तो इसमें 1, 2 लगाना नहीं है। तो अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जैसे बताया था मैं कि अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो क्या होगा, उसके पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी फ्री हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, और कार्बन के पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बॉन्ड में। तो अगर कार्बन का निकालेंगे तो इसके आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 0, 1/2, और बॉन्डिंग इसके चारों तरफ बॉन्ड कितने हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो यह आ जाएगा 8। तो यहाँ से कैंसिल, आ गया 4, 4 माइनस 4 0, कार्बन का फॉर्मल चार्ज आ गया 0। अब बात करते हैं ऑक्सीजन 1 की, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 4 माइनस 1/2। अब इसके इधर क्या है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 से कैंसिल हो गया, आ गया कितना 2। तो 6 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 2, और माइनस 2 इसका भी आ गया 0। वैसा ही ये वाला भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 का भी क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज 0। यानी इसमें किसी भी मॉलिक्यूल पे, सॉरी किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, सभी का 0-0 है, तो ओवरऑल भी क्या है, 0 आया है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि अगर सभी का 0 होगा तभी ओवरऑल 0 होगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी एटम का माइनस में हो, किसी का उतना ही प्लस में हो, मतलब ओवरऑल 0 आने का जरूरी नहीं है कि सभी पर 0-0 है तभी आया है, ठीक है। क्योंकि सम करने पर 0 आ भी सकता है, चार्ज अगर मान लीजिए किसी पर माइनस 1 है, किसी एटम पे क्या है प्लस 1 है, तभी 0 आ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से केवल। तो ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था, ठीक। एग्जाम्पल को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, एक हमारा CO2 का केस बन गया है, और ये था SO4 का 2 माइनस SO4 2 माइनस आयन, और एक मैंने लिया था, ठीक, CO3 का केस। तो ये था हमारा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अपने इस टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।